मदालसा हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईसीयू क्या होता है। आईसीयू में ऐसे पेशेंट को एडमिट किया जाता है जिसको गंभीर रूप से कोई बीमारी होती है या दुर्घटना के कारण मरीज गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। इन पेशेंट के लिए अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड होता है, यानी कि रूम होता है, जिस वार्ड के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की मशीनें होती है। उस वार्ड के अंदर पेशेंट 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की लगातार निगरानी में रहता है। इस वार्ड को आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आईसीयू में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला इक्विपमेंट होता है मल्टीप्रा मॉनिटर, जिसे वाइटल साइन मॉनिटर, हार्टबीट मॉनिटर या आईसीयू मॉनिटर भी कहा जाता है। मल्टीप्रा मॉनिटर के अंदर पेशेंट की ईसीजी, पल्स रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सारी एक्टिविटीज मल्टीप्रा मॉनिटर के अंदर मेजर की जाती है। अब हम बात करेंगे वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर का यूज तब होता है जब पेशेंट की रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी के ब्रीदिंग सिस्टम काम नहीं करता है। वेंटिलेटर पेशेंट की सारी रेस्पिरेटरी बाहर से कंट्रोल करता है। कैथेटर मूत्र को निकालने वाली एक ट्यूब होती है। अब हम रायल्स फीडिंग ट्यूब के बारे में जानेंगे। इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट भोजन करने के योग्य नहीं होता। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल है जो कम पैसों में वेल इक्विप्ड आईसीयू प्रदान करता है। मदालसा अस्पताल आईसीयू में दाखिले की उच्च चिकित्सा लागत के दर्द को समझता है, इसलिए हम एक अच्छी तरह से सुसज्जित आईसीयू प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें उच्च प्रशिक्षित चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ सस्ती कीमत पर है। हम गुणवत्ता सेवाओं का वादा करते हैं जो आपकी जेब पर कोई बड़ा असर नहीं डालेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो हमारी वेबसाइट www.madalasahospital.com पर विजिट करें या 9319661010 पर कॉल करें। थैंक यू।